सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोज के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ड। दोस्तों, बहुत दिनों से टीचर की तरफ से मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि जब वो वीडियो को शेयर करने की कोशिश करते हैं तो साथ में ऑडियो शेयर नहीं होती, सिर्फ वीडियो ही शेयर होती है। अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप लैपटॉप से क्लास ले रहे हो और आपने ऑडियो एंड वीडियो दोनों शेयर करने हैं तो वो कैसे करनी है, एंड अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कोई लिंक शेयर करना चाहते हो, कोई यूट्यूब का लिंक शेयर करना चाहते हो तो वो आपने कैसे करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों सबसे पहले आपने लॉग इन करना है अपने अकाउंट में अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ। अगर आपको आपका पासवर्ड नहीं याद तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है कि अपने पासवर्ड को कैसे रीसेट करना है। हमें यहाँ पे 4 आइकॉन्स मिलते हैं, होम, चैट, मीटिंग एंड कॉन्टैक्ट। अगर आपने कोई मीटिंग शेड्यूल की हुई है तो आपने आपकी मीटिंग्स यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी के साथ मीटिंग लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप भी जूम पे अपनी वीडियो की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग मैं जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल से मीटिंग कर रहे हो और वीडियो के साथ ऑडियो को शेयर करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि आपने पीसी में वीडियो के साथ ऑडियो को कैसे शेयर करना है। अगर आप सिर्फ ऑडियो शेयर करना चाहते हो तो आपने कैसे करना है, और अगर आप यूट्यूब का लिंक अपने स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहते हो तो कैसे करना है, और स्टूडेंट्स ने उस लिंक को कैसे ओपन करना है अपने मोबाइल में। दोस्तों स्टूडेंट मोबाइल से भी मैं ज्वाइन कर रहा हूं मीटिंग को। दोस्तों जो पीसी से मीटिंग ले रहा है वो टीचर है, जो मोबाइल से मीटिंग कर रहा है वह स्टूडेंट। दोस्तों जैसे टीचर नॉर्मली स्क्रीन शेयर करते हैं और स्टूडेंट अपना काम शुरू कर देते हैं मार्किंग का, तो टीचर ने स्क्रीन शेयरिंग करने से पहले यहाँ पे क्लिक करना है इस एरो पे, उसके बाद एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद हु कैन शेयर ओनली होस्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो स्टूडेंट है कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे, आफ्टर दैट आप कुछ भी शेयर कीजिए। जैसे अभी हम देखने वाले हैं कि आपने स्क्रीन शेयरिंग कैसे करनी है, आपने साउंड कैसे प्ले करना है ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग। तो जब हम स्क्रीन शेयर पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिलती हैं, स्क्रीन शेयर, व्हाइट बोर्ड शेयर, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आईफोन, आईपैड। अगर आप कोई पर्टिकुलर टैब, अगर आप कोई पर्टिकुलर विंडो शेयर करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद अगर आप एडवांस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पोर्शन ऑफ स्क्रीन, अगर आप किसी पोर्शन को शेयर करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करके पोर्शन को शेयर करना है। अगर आप कोई म्यूजिक या कोई साउंड ही शेयर करना चाहते हो किसी वीडियो का तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप के पीसी में कोई सेकंड कैमरा तो आप यहां पे क्लिक करके सेकंड कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि अगर सिर्फ आपने साउंड ही शेयर करना है तो वो कैसे करना है। तो आपने यहां पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद अगर आपके पास कोई वीडियो फाइल पड़ी है, कोई ऑडियो फाइल पड़ी है, आपने उसे प्ले कर देना है। जब आप उस फाइल को प्ले करते हो तो जो पार्टिसिपेंट है उसके मोबाइल में सिर्फ वो उसका साउंड ही जाएगा, उसकी वीडियो या स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, तो पार्टिसिपेंट के जो मोबाइल में इसका सिर्फ साउंड जा रहा है। आफ्टर दैट अगर आप शेयरिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो आपने यहाँ स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करना है। फाइल पे आपने वीडियो के साथ ऑडियो को कैसे शेयर करना है इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अभी हम देखते हैं कि पीसी में कैसे करना है। तो आपने यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करना है और उसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, शेयर कंप्यूटर ऑडियो। दोस्तों यहाँ पे जो एक दूसरा आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिप्स, इसका मीनिंग ये है कि जो इसका फ्रेम है वो चेंज हो जाता है। अगर फ्रेम सही नहीं है ना, कोई फ्रेम में प्रॉब्लम है ना, तो पिक बड़ी या छोटी हो जाएगी, इसका साउंड से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर आप साउंड शेयर करना चाहते हो तो आपने जस्ट यहाँ शेयर विद कंप्यूटर साउंड पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैं उसी वीडियो को फिर से प्ले कर रहा हूँ जो मैंने पहले प्ले की थी। तो अभी अभी पार्टिसिपेंट के पास वीडियो भी जाएगी एंड साउंड भी जाएगा। तो अगर आप कोई YouTube से कुछ शेयर करना चाहते हो, YouTube से कुछ प्ले करके दिखाना चाहते हो स्टूडेंट्स को, तो भी आपने यहाँ पे ऐसे ही क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप किसी वीडियो का लिंक शेयर करना चाहते हो तो आपने शेयर पे क्लिक करके लिंक को कॉपी कर सकते हो, और आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है,
उसके बाद आपने मीटिंग में चले जाना है। जब आप मीटिंग में चले जाओगे तो आपने वहां पे जैसे चैट पे क्लिक करना है। चैट पे क्लिक करने के बाद आपने इस लिंक को यहाँ चैट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद एंटर करना है, वो लिंक स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। जब स्टूडेंट उस लिंक को देख सकता है अपने फोन में, और उसके बाद स्टूडेंट ने क्या करना है, इस लिंक को कॉपी मैसेज करना है। डायरेक्ट लिंक नहीं खोल सकता स्टूडेंट अपने यूट्यूब में, तो उसके लिए स्टूडेंट ने अपने फोन से क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देना है लॉन्ग प्रेस करके। आफ्टर दैट जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देख सकता है। दोस्तों, जूम ऐप के रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।